कचकाएंगे। पूरा वेलवेट में बनेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुजरात में आप आई और बहुत सारा ढेरों सारा प्यार आपको मिल रहा है। और ये कैमल, कैमल क्या है, घोड़ा ही है क्या? घोड़ा है, घोड़ा है। आप बताइए कुछ जरा। मुझे ये एक्चुअली मैं इनसे पूछ रही थी कि इसका खास कोई नाम है क्या, क्योंकि मैंने ये देखा है मेरे घर पे। पहले बचपन में हमारे यहाँ एक हॉर्स ऐसे हुआ करता था, तो उन्होंने कहा कि इसको बस कच्ची काम बोलते हैं। बट दिस इज़ ब्यूटिफुल, यू नो, एम्ब्रॉयडरी भी है और धागा ऐसे उन्होंने पिरोया है। इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल, सो कलरफुल। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये, और घर के किसी कोने में रख भी दो तो। मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, तो मैं बस देख रही हूँ और अपनी आँखें नहीं हटा पा रही हूँ, पर सोच रही हूँ कि कितना वापस लेके जाऊँ। और इसको बॉल हैंगिंग आइटम कहते हैं सर, इसे बॉल हैंगिंग घर में, बारी में, पर्दे में, मंदिर में, गेट में, कहाँ भी हैंगर सकते हैं। लवली नीता जी, देखो हमने देखा कि आप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो और रन की सुल्लू जो है आपको बुलाया गया और एक टैगलाइन भी दिया है, फिल्म का नाम है तुम्हारी सुल्लू। देखिए सुल्लू कुछ भी कर सकती है, सुल्लू रन उत्सव में पहुँच गई है। अब सुल्लू यहाँ से शॉपिंग करके भी जाएगी, ऊँट पे भी बैठ के जाएगी, है ना। पर ये मैं एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने रन उत्सव आने का सोचा। तनुज गर्ग जो हमारे को प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं मतलब मैं बोलती नहीं थकती कि फुल मार्क्स इस आइडिया पे, क्योंकि इस तरह के प्रमोशंस होते नहीं हैं। अगर आप गुजरात आ रहे हैं तो सिर्फ यू नो वही घिसा पिटा करने से अच्छा कुछ ऐसा करो तो मुझे कुछ नया देखने को भी मिलता है और फिल्म का प्रमोशन भी हो जाता है साइड बाई साइड। वो जो BSF बॉर्डर आउटपोस्ट पे हम गए, इट वाज जस्ट लवली। वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था जब जवानों से मिले, उनको थैंक यू कहा, और एक्टर सिर्फ मनोरंजन करना जानता है, तो मैंने थोड़ा बहुत मैं गाई उनके लिए, उनके साथ भी गाया, उनके साथ नाची, और कुछ लोग, कुछ जवानों ने भी गाया, शायरी सुनाई, तो अच्छा रहा। फिल्म के बारे में कुछ बताया आपने कि मेरे? ऑफ कोर्स बताया, उन सब ने प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी सुलू देखेंगे। आई डोंट नो कि जब रिलीज होती है तब देख पाएंगे, आई गेस बाद में देख पाएंगे, पर जब भी देख पाए। यू नो मुझसे जब भी किसी ने रन उत्सव की बात की थी तो कहा था कि अगर आप फुल मून पे जाओ तो और भी खूबसूरत लगती है वो जगह, और मैं फुल मून पे आप पहुंच गई। कहते हैं ना कायनात से, कायनात में अपनी ख्वाहिश छोड़ दो और कायनात वो पूरी कर देती है, वही हुआ है मेरे साथ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब से आप आई हैं ढेरों सारा लोगों का प्यार है, विद्या जी, सेल्फी विद्या जी, आपकी ट्रेलर बहुत ही पसंद आया। किस तरह से जब फैन का रिएक्शन आता है, और हमने देखा 10 मिलियन ट्रेलर और गाने भी लोगों ने पसंद किए, तो इस तरह से जब फैन का रिएक्शन आता है एज एन एक्टर क्या फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, हम इसी प्यार के तो भूखे हैं। इस प्यार की वजह से जब अप्स और डाउन्स होते हैं तब भी हम मतलब आगे बढ़ पाते हैं, तो मुझे आई फील वेरी ब्लेस्ड, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जिंदगी भर ये प्यार बना रहे, बढ़ता रहे। जाते जाते अगर कुछ आप कुछ ये सभी क्या कहना है, इनका सब कहना है कि हम विद्या जी को गिफ्ट, क्या कर क्या गिफ्ट कर, आप सही बोले थे ना कि क्या गिफ्ट देंगे आप विद्या जी को? सो स्वीट, ये बताइए। कच्ची घोड़ी बोला है, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, हां जी, कच्ची घोड़ी राइट है, उसको कच्च का फेमस है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, गिफ्ट है, थैंक यू, थैंक यू।